आपकी जानकारी में लेना चाहूँगा, 15/6 को थाना PGI में घटना घटित हुई थी, जिसमें अपने एक रोगी को देखने के लिए एक बाहर से आई हुई महिला जो है ईवी रिक्शा में बैठी थी, तो उनकी चेन चोरी कर ली गई थी। उनके द्वारा इस घटना की सूचना थाने पर दी गई, अवगत कराया गया कि उस ईवी रिक्शा में कई अन्य महिलाएं सवार थी। उन्होंने शक उनके ऊपर जाहिर किया कि ऐसा प्रतीत हुआ उनको कि ये वारदात उनके द्वारा कारित की गई है। इस सूचना के बेसिस पर SHO PGI के द्वारा CCTV फुटेज ईवी रिक्शा को तलाश किया गया और इन महिलाओं की गिरफ्तारी की गई है। ये कुल मिलाकर 6 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं, जिनमें 1 आजमगढ़ की और 5 बड़हलगंज गोरखपुर की रहने वाली हैं। ये एक ग्रुप के रूप में PGI हॉस्पिटल के पास में लॉज में रुकी हुई थी और इनका काम इसी प्रकार से है, ये ईवी रिक्शा में सवार होकर के अकेले महिलाएं या अकेले पुरुष को अपने बीच में बैठा करके उसके साथ ही घटनाएं करते हैं। घटना से संबंधित चेन जो कि इनके द्वारा भेज दी गई थी उसका रुपया और जो कैश रुपया जो उस महिला से चोरी किया गया था लगभग 55,000 रुपया वो बरामद किया गया है और इन महिलाओं को जेल भेजा जा रहा है। देखिए ये एक टप्पेबाजी की स्पेसिफिक वारदात है जिसमें ग्रुप बना करके वारदात की जाती है। ऐसे समझिए जैसे कि आप जेब पत्रे वाले जो वारदात होती है जिसमें कई सारे लोग एक साथ एक व्हीकल में सवार होते हैं, उसी तरीके की ये वारदात है। ये कई बारी से यहाँ पे आ रहे हैं और आसपास के इलाके में लॉज में मरीज को देखभाल करने के नाम पर आकर के रुकते हैं। इनका हम लोग वेरिफिकेशन भी करा रहे हैं, तो ये उसी प्रकार की महिलाएं हैं जो ग्रुप बना करके इस तरीके की टप्पेबाजी कर रहे हैं। आपराधिक इतिहास अभी मैं बताऊंगा, इसमें पूछताछ जारी है, ये आज की गिरफ्तारी हुई है, हम लोग इनसे पूछताछ कर रहे हैं और जैसे जैसे घटना संज्ञान में आती जाएंगी अवश्य कराया जाए।